हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल जोन ब्लॉग। मेरे चैनल में अगेन आपका वेलकम है। और आज मैं आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि है आज मैं आपको गणपति का सिंहासन बनाना सिखाऊंगी घर पर ही, इजी वे में और घर की ही सामानों से। वेस्ट मटेरियल ही आप समझ लीजिए उसे, उसी से मैं आपको आज जो है गणपति और लक्ष्मी जी का सिंहासन बनाना सिखाऊंगी। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें गणपति का सिंहासन बनाने के लिए इस तरह से एक मोबाइल के डब्बे की ज़रूरत होगी और इस तरह से पेपर शीट की। और मैंने तो ये नॉर्मल पेपर शीट लिया है, अगर आपके साइड वेलवेट वाली पेपर शीट मिल जाती है तो आप उससे ले सकते हैं, मुझे मिली नहीं तो इसलिए मैंने नॉर्मल पेपर शीट ले ली है। तो इस तरह से पेपर शीट ले लेंगे और ये इस तरह से मोबाइल का डब्बा। और मैं आपको मतलब कम बजट का बनाना बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने हॉट ग्लू नहीं यूज़ किया है इसमें, नॉर्मली फेविकोल यूज़ किया है। ये आप देख सकते हैं मैं फेविकोल लगा रही हूँ। तो इस डब्बे में अच्छे से फेविकोल लगाने के बाद मैं पेपर शीट जो है इस पर चिपका दूँगी। और पेपर शीट जब भी आप चिपकाइए तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत टाइटली एकदम चिपकाइएगा, कहीं से ढीला ढाला ना रहे फिर पेपर शीट। तो ये देखिए मैं इसमें अच्छे से फेविकोल खूब ज़्यादा सा लगा करके इसको अच्छे से चिपका दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा नीचे का बेस रेडी है और अब मैं जो है सिंहासन के पीछे का बेस बना लेती हूँ। तो पीछे का बेस बनाने के लिए मैंने ये दफ्ती ले ली है और उस पर इस तरह से डिज़ाइन बना करके उसे कट कर लिया है। और अब मैं इस पर जो है येलो शीट यूज़ कर रही हूँ, येलो शीट लगा दूँगी पूरा अच्छे से चिपका करके फेविकोल से, तो मेरा पीछे का बेस तैयार हो जाएगा। और ये मैंने नॉर्मल डिज़ाइन बनाई है, आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहे आप बना सकते हैं। और ये देख रहे हैं कि मैं पेपर में कट कर रही हूँ, तो ये बता दूं कि मैं इसलिए कट कर रही हूँ कि जब मैं पेपर में कट कर दूँगी साइड साइड से तो इसे फोल्ड करने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन की वजह से फोल्ड नहीं हो पाएगा सही तरीके से, तो इस तरह से कट करने में वो ईजी हो जाएगा।
हैं तो डेकोरेट करने के लिए मैं इस तरह से इसको ले रही हूँ और इसको जो है बीचों बीच चिपका दूँगी ये इस तरह से, और जो उधर साइड में बचा हुआ पोर्शन रहेगा उसको कैंची से कट करके निकाल देंगे एक्स्ट्रा जो रहेगा, और फिर उसके बाद जो है ऊपर के बेस पे भी ऐसे 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 मतलब एक स्टोन कुछ कुछ दूरी पे लगाते जाएंगे, और फिर बीच में जो है फूल सा बना देंगे, और फिर छोटे छोटे स्टोन जो है ये जो हाथ रखने के लिए मैंने साइड में लगाया है इस पे चिपका देंगे, और फिर इस तरह से मेरा सिंहासन बन करके तैयार हो जाएगा। तो आपको मैं इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा सिंहासन बन करके तैयार है एकदम, और अब मैं इस पर अपने भगवान जी को बैठा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको इसको कि ये कैसे लगेगा, कितना बड़ा बना है। तो ये देखिए इस तरह से है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल ऑल जोन ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय। और फ्रेंड्स, मेरा एक और नया चैनल मैंने बनाया है, इसका नाम है नानी कहानी टीवी, तो आप प्लीज़ उसे भी सपोर्ट करें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।